तो चलिए फ्रेंड, आज का जो अपना टॉपिक है कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को स्टार्ट करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पानी का कंडक्टिविटी क्या होता है, इस कंडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में यह भी देखेंगे कि पानी में कौन सा कंपाउंड की मौजूदगी की वजह से हमारा कंडक्टिविटी शो कर रहा है। अगर पानी में जितने भी कंपाउंड है उसको रिमूव कर दिया जाए तो इस कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट आएगा, इसको भी हम लोग समझेंगे। और फ्रेंड्स, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर को समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से डिटेल से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे साथ बने रहिए, पूरे एंड तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग समझ लेते हैं कि कंडक्टिविटी ऑफ वाटर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा वर्ड है कंडक्टिविटी, ये कंडक्ट वर्ड से लिया गया है और कंडक्ट का हिंदी में मतलब होता है चलाना, यानी कि मूवमेंट करवाना। और फ्रेंड्स, एक चीज हम लोग यह भी जानते हैं कि पानी में बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि पानी में डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन कंटेंट अपने अंदर रखते हो, जैसे कि फ्रेंड्स हमारा हो गया ऑयल्स हो गए, अल्कोहल हो गए, ये सब चीज क्या आता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं। और फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि लैक ऑफ कार्बन एटम्स, या फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जिसके पास कार्बन कंटेंट ना हो उसको हम लोग इनऑर्गेनिक बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड जिसके पास कार्बन कंटेंट हो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि जितने भी पानी में डिजॉल्व साल्ट्स होते हैं, जैसे कि फ्रेंड्स हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम का कार्बोनेट हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, सिलिकेट हो गया, ये सब चीज क्या होता है, ऐसे कंपाउंड है जो कि कार्बन कंटेंट नहीं रखते हैं और इस पानी में मौजूद होते हैं, डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद होते हैं। इस पानी में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, चाहे हमारा ऑर्गेनिक हो या इनऑर्गेनिक हो, इस कंपाउंड में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट कर पाते हैं और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, वह कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। यानी कि फ्रेंड्स, पानी में कंडक्टिविटी किसकी वजह से आता है, तो वैसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, कंडक्ट का मतलब होता है चलाना, और इलेक्ट्रिक पावर को चलाने का जो कंपाउंड कैपेबिलिटी रखता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ वाटर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि पानी में जो कंपाउंड मौजूद होते हैं उसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, मतलब कितने टाइप के कंपाउंड्स पानी के अंदर मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कंपाउंड। कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो यह मेनली दो टाइप का होता है। एक होता है फ्रेंड्स हमारा कंडक्टिव, और दूसरा होता है नॉन कंडक्टिव। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल गया कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट करेगा, और नॉन कंडक्टिव का मतलब हो गया कि ऐसे कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट नहीं करेगा। जैसे कि फ्रेंड्स, इसका एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं सुगर और सुक्रोज। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर शुगर भी मौजूद होता है, यानी चीनी भी मौजूद होता है, और इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि पानी में डिजॉल्व रहेगा लेकिन यह आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। जहां पे आयंस प्रोड्यूस नहीं होगा वहां पे इलेक्ट्रिक पावर का कंडक्शन नहीं होगा। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा नॉन कंडक्टिव कंपाउंड का एग्जाम्पल है। सिमिलरली अगर कंडक्टिव कंपाउंड का एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि पानी के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मौजूद होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, सोडियम पे क्या होता है, जैसे पानी में डिजॉल्व होता है तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाता है, तो सोडियम बना लेता है Na, और ये क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है OH-। तो सोडियम पे हमारा प्लस हो जाता है, हाइड्रोक्साइड पे माइनस होता है। तो फ्रेंड्स, यहां से हम लोग का इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। फ्रेंड्स, यहां पे सोडियम पे प्लस आयन है, हाइड्रोक्साइड पे माइनस आयन है, यानी कि फ्रेंड्स यहां पे हमारा आयंस प्रोड्यूस हो गया, और जहां पे आयंस प्रोड्यूस होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, यानी कि ये क्या करेगा, करंट को कंडक्ट कर पाएगा, जबकि सुगर क्या करता है, आयंस प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, इसीलिए यहां पे हमारा इलेक्ट्रिक पावर कंडक्ट नहीं हो पाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा कंडक्टिव कंपाउंड है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहला है फ्रेंड्स हमारा स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी, यानी कि ऐसे कंपाउंड, ऐसे मतलब कंडक्टिव कंपाउंड जो कि स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी मतलब वेरी फास्ट इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट कर पाता है, यानी कि
स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स इस स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी का मैं कुछ एग्जांपल यहां पे राइट डाउन कर दे रहा हूं। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी का एग्जांपल है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यह भी क्या है, स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी का एग्जांपल है। या हमारा कैल्शियम क्लोराइड हुआ, CaCl2 हुआ, यह भी स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी का एग्जांपल है। या फ्रेंड्स हमारा सोडियम फास्फेट, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ट्राइसोडियम फास्फेट हुआ, डाइसोडियम फास्फेट हुआ या मोनोसोडियम फास्फेट, ये सब चीज क्या होता है हमारा, यानी सोडियम फास्फेट भी स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी के अंदर आता है। ट्राइसोडियम फास्फेट का हम लोग का फॉर्मूला यही होता है। या हमारा अमोनियम सल्फेट भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी का एग्जांपल होता है। तो अमोनियम सल्फेट का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4 होता है। तो फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी का यहां पे मैंने एग्जांपल राइट डाउन कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि ये जितने भी कंपाउंड्स हैं या वेरी फास्ट डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि फुल्ली डिसोसिएट हो जाते हैं। जैसे अगर मान लीजिए फ्रेंड्स पानी में अगर NaOH मौजूद है तो NaOH हमारा सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो फ्रेंड्स जितने भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पूरा क्या हो जाएगा, फुल्ली डिसोसिएट हो जाएगा। जैसे हमारा HCl है, फुल्ली H+ Cl- बना लेगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स स्ट्रॉन्ग कंडक्टिव का मतलब होता है कि जितने भी कंपाउंड्स है या बहुत फास्ट तरीके से डिसोसिएशन होता है, यानी कि वेरी फास्ट मैनर में ये अपना आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जैसे वेरी फास्ट में कन्वर्ट होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट कर पाता है। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं दूसरा, जैसे कंडक्टिव कंपाउंड में एक और कंपाउंड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वीक कंडक्टिव, वीक कंडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं कि वीक कंडक्टिविटी में कौन कौन से कंपाउंड्स आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड हो गया, यानी कि CH3COOH, ये क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। तो एसिटिक एसिड हो गया। या फ्रेंड्स हमारा यहां पे मैं लिखा हूं अमोनियम सल्फेट है तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ जाता है, यानी NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, वीक एसिड में आता है। या फ्रेंड्स हमारा लीड सल्फेट PbSO4 हमारा क्या होता है, वीक कंडक्टिव में आता है। वीक कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड्स ऐसे कंपाउंड जो कि पानी में पार्शियली डिसोसिएशन होता है, जैसे कि फ्रेंड्स हमारा एसिटिक एसिड हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया या फ्रेंड्स लीड सल्फेट हो गया, ये अगर पानी में मौजूद है तो ये पार्शियली डिसोसिएशन होगा। यानी कि पीबी सल्फेट अगर पानी में मौजूद है तो यह फुल्ली डिसोसिएशन नहीं होगा, थोड़ा सा इसका डिसोसिएशन होगा। तो फ्रेंड्स जितना कम डिसोसिएशन होगा, यानी जितना कम आयंस मौजूद होंगे, आयन प्रोड्यूस करेंगे, उतना कम इलेक्ट्रिक पावर को कंडक्ट कर पाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग बोल सकते हैं कि वीक कंडक्टिविटी कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि पार्शियली डिसोसिएशन होते हैं, और स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी कंपाउंड वो होते हैं जो कि फुल्ली डिसोसिएशन हो जाते हैं। तो जहां पे फुल्ली डिसोसिएशन होगा वहां पे हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनेगा। वीक कंडक्टिविटी कंपाउंड में पार्शियल डिसोसिएशन होता है, इसलिए हम लोग इसको बोल सकते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट यहां पे प्रोड्यूस होता है। तो फ्रेंड जहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस होगा वहां पे बोल सकते हैं कि यह गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और जहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस होगा यहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो देखिए फ्रेंड्स कंपाउंड हमारा कितना होता है, कंडक्टिव, कंडक्टिव में भी होता है एक हमारा स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी, एक होता है हमारा वीक कंडक्टिविटी, दूसरा होता है नॉन कंडक्टिविटी जो कि करंट को फ्लो नहीं करवा पाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग समझेंगे कि कंडक्टिविटी को कैसे मेजर किया जाता है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास एक वाटर का सैंपल है और उसका कंडक्टिविटी मेजर करना है। तो फ्रेंड्स उस वाटर में कितने कंपाउंड्स मौजूद है ये तो हम लोगों को पता नहीं है, यानी कि कितने कंडक्टिव कंपाउंड है या कितने नॉन कंडक्टिव कंपाउंड है उस पानी में हम लोगों को तो पता नहीं है। तो फ्रेंड्स इस कंडक्टिविटी को मेजर करने के लिए एक इक्विपमेंट का यूज किया जाता है जिसका नाम है कंडक्टिविटी मीटर। हम लोग क्या करेंगे, उस वाटर सैंपल में डायरेक्टली कंडक्टिविटी मीटर को इमर्ज कर देंगे और हम लोग को रीडिंग पता चल जाएगा कि कितना कंडक्टिविटी है। और फ्रेंड्स जितना कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उतना हम लोग मानेंगे कि उसके अंदर क्या है, कंडक्टिव कंपाउंड ज्यादा मौजूद है, और उस कंपाउंड में हमारा स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी भी हो सकते हैं या हमारा वीक कंडक्टिविटी भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड जितना पानी का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा उतना हमारा पानी के अंदर क्या है, इम्प्योरिटी ज्यादा है। ये सब चीज क्या है, कंपाउंड्स अगर पानी के अंदर मौजूद है तो क्या है फ्रेंड्स, ये हमारा इम्प्योरिटीज है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि कंडक्टिविटी से डायरेक्ट हम लोग ये प्रिडिक्ट करेंगे कि हमारा पानी कितना इम्प्योर है या कितना हमारा प्योर है। तो फ्रेंड्स पानी का जितना भी कंडक्टिविटी ज्यादा दिखाएगा
आएगा, मैक्सिमम कंडक्टिविटी दिखा रहा है, इसका मतलब पानी के अंदर इम्प्यूरिटीज ज्यादा है। अगर कंडक्टिविटी कम दिखा रहा है, इसका मतलब कि ये सारे कंपाउंड हमारे पानी के अंदर कम मौजूद है, यानी कि हमारा पानी प्योर है। तो फ्रेंड्स कंडक्टिविटी का जो यूनिट आता है वो है फ्रेंड्स हमारा सीमेंस पर सेंटीमीटर या माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर हम लोग का रीडिंग दिखाता है। यानी जैसे हम लोग कंडक्टिविटी को मेजर करेंगे तो हम लोग को दिखा देगा मान लीजिए फ्रेंड्स 500 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इसका मतलब कि ये सब चीज कंपाउंड्स पानी के अंदर मौजूद है। अगर फ्रेंड्स पानी के अंदर से ये जितने भी कंपाउंड्स है उसको हम लोग रिमूव कर दिया जाए, यानी कि फ्रेंड्स अगर डीमिनरलाइज प्लांट की बात करेंगे तो डीमिनरलाइज में क्या करते हैं कि जितने भी मिनरल्स वगैरह है साल्ट वगैरह है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग डीमिनरलाइज वाटर यानी कि डीएम वाटर का कंडक्टिविटी चेक करें तो हमारा वैल्यू आता है लेस देन 5 माइक्रो सीमेंस पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या होता है, डीमिनरलाइज का मतलब होता है कि जितने भी पानी के अंदर मिनरल्स है जितने भी कंपाउंड्स है उसको हम लोग क्या करते हैं रिमूव कर लेते हैं, यानी पानी के अंदर जितने भी साल्ट्स मौजूद हैं उसको हम लोग क्या करते हैं प्रेसिपिट कर लेते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं, यानी कि ये सब जितने भी कंपाउंड्स है उसको पानी से हम लोग रिमूव कर दे रहे हैं। तो फ्रेंड जहां पे हमारा आयंस मौजूद नहीं होगा वहां पे हमारा फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा, यानी कि उसका कंडक्टिविटी कम होगा। तो फ्रेंड्स इसका मतलब हो गया कि अगर हम लोग डीमिनरलाइज वाटर में इलेक्ट्रिक पावर अगर सप्लाई देंगे और उसमें हाथ भी डाल देंगे तो फ्रेंड्स इस पानी में हाथ डालने के बावजूद भी हम लोग को करंट का पता नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि फ्रेंड्स इस पानी का जो कंडक्टिविटी है वो बहुत ही कम है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, इस पानी के अंदर एक दो चम्मच नमक डालेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नमक क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी कंपाउंड होता है। तो जैसे हम लोग नमक डालेंगे तो इस वाटर का कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो इस पानी में अब हमारा क्या होगा, फ्लो ऑफ करंट होने लगेगा और हमारा बल्ब जल जाएगा। और फ्रेंड्स इस कंडीशन में अगर हम लोग हाथ को इसके अंदर फिर से डालेंगे तो हम लोग को झटका लगेगा, यानी हम लोग को करंट का महसूस होगा। तो चलिए फ्रेंड्स इस पॉइंट को हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास एक गिलास पानी है और इस पानी का कंडक्टिविटी बहुत ही कम है। तो देखिए फ्रेंड्स अगर कंडक्टिविटी कम है इसका मतलब कि ये कम अमाउंट में करंट को फ्लो करवा पाएगा। तो फ्रेंड्स इसको करंट फ्लो करवाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, साल्ट चाहिए। तो देखिए हमारे पास एक और कंटेनर है जिसमें हमने साल्ट को रखा हुआ है। अब हम लोग को क्या चाहिए फ्रेंड्स, एक बैटरी और एक बल्ब का जरूरत पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे पास एक बैटरी भी है एक बल्ब भी है, हमने क्या किया इस बैटरी से बल्ब को कनेक्ट कर दिया। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों वायर को जैसे टच करेंगे तो हमारा बल्ब क्या हो रहा है, इस बैटरी से जल जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स अब हम लोग क्या करेंगे, तो चलिए फ्रेंड्स इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बैटरी से हमारा बल्ब एक सिरा से कनेक्ट है एक सिरा से कनेक्टेड नहीं है, यानी कि बैटरी का एक सिरा हमारा थोड़ा सा वायर से कनेक्ट है और फ्री है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस वायर का जो कि बल्ब से कनेक्टेड नहीं है इसको हम लोग क्या करेंगे पानी में इमर्ज कर देंगे, यानी ग्लास में जो पानी लिया उसमें इमर्ज कर देंगे। ठीक है और दूसरा जो तार है फ्रेंड्स जो कि हमारा बल्ब से कनेक्टेड है उसको भी हम लोग क्या करेंगे पानी में इमर्ज करेंगे। तो देखेंगे फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो बल्ब है वो बहुत ही कम अमाउंट में जल रहा है, बहुत ही लाइट बहुत कम प्रकाश दे रहा है। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे इसको समझने के लिए कि पानी के अंदर अंदर ही हम लोग क्या करेंगे ये दोनों सिरे को कनेक्ट करेंगे। तो देखिए हमारा बल्ब बहुत ही तेज प्रकाश दे रहा है। ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे दोनों सिरे को फिर से मतलब अलग कर देंगे, दोनों एंड पे ला देंगे और इस पानी के अंदर हम लोग क्या करेंगे साल्ट मिला देंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसके अंदर साल्ट मिलाएंगे तो देखिए हम लोग का जो बल्ब है वो क्या हो रहा है, इसका जो प्रकाश है वो इंक्रीज हो रहा है, मतलब बल्ब हमारा ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि इस वाटर का जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम लोग साल्ट डाले तो इस पानी के अंदर जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जैसे हम लोग पानी के अंदर साल्ट डालेंगे जैसे हमारा इंप्यूरिटीज अगर ज्यादा रहेगा तो इसका मतलब इसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको कंडक्टिविटी का फंडा अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पानी में अगर कंडक्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब पानी हमारा बहुत ही ज्यादा गंदा है, अगर कंडक्टिविटी कम है यानी पानी हमारा उतना ही क्लीन है उतना ही साफ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा इंफॉर्मेटिव लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर मेरे चैनल पर अपन डिस्कशन में आप लोग नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच।